परेशान कर ट्रीटमेंट चल रहा हूं काफी ठीक है अगे तो चौहान साहब जान गए शाम नू तुहानू मिलणगे पटियाले ते बाकी मतलब के सिद्धू मूसे वाले दी जिहड़ी आपां खबर सुनी है ना क्योंकि वीडियो बनाने नू बिलकुल मन नहीं सी कर रहा साडा अज असी वीडियो बना मतलब पावांगे ते मतलब इतना ज्यादा मूड खराब सी ना इतने परेशान सी असी घर दे सारे मेंबर ते मतलब मैं तां कोई खास कदी गाने भी नहीं सी सुने हैगे पर जिहड़ी उन्हां दी खबर सुनी है ना मतलब इतना ज्यादा मन खराब होया ना भी घर विच भी जी नहीं लग रहा सारे असी घर दे बुझे जे फिर रहे सी ते चौहान साहब भी बोल रहे सी भी मतलब ना बहुत एबसेंट हो गया वा मतलब मन काम च भी नहीं लग रहा सी उन्हां दा ते चलो ठीक है जी बाकी चौहान साहब तुहानू शाम नू मिलणगे ता ठीक है जी शाम नू मिलदे ने फिर चौहान साहब तुहानू। ऐ ना करो यार मेरी कलाकार है ना सोचो सलीम का दिया है कहीं पकड़े होंगे ऐ ना करो यार जोरदार ताने मारो एक बार यार मेरे मेरी मां ना ना तेरी जिंदा साहब खड़े हैं क्या बात बड़ा कसम है तेरे से भी शेर वाली मैंने मजा ना था हो जितनी ना दिया मेरी मां ने मुझको डमरू बजाई जाता है साढ़े जिमी जी के पिता जी जोरदार फैले उन्होंने ऐसी
कृपा करके अपने अपनी जगह पे बैठ जाओ मेरा भी माता रानी तो करूंगी मैं फिर मैं आऊंगा जो मन महारानी ने गल इंसान दी मैनु जिन्नी बारी भी वो बच्चा मिलिया है उन्हें बड़ा मेरा माण मेरा सत्कार अदब किया है हमेशा बाई जी कह के गल की नाम बहुत कमाया है परमालको की आत्मा को शांति दे भाई गुरु सच्चे पातशाह उन्होंने अपने चरणों से निवास दे होर जोरदार तालियां सिद्धू मूसे वाले वास्ते जोरदार साडा गाउण वाले का काम है गाना असीं इत्थे गाउण आए हैं असीं शुरू कर देना तो गा ही जाना असीं खुशी हाँ पर पांच छह दिनों तो दिल नहीं कर रहे कोई भी चीज का एक दिन उन्होंने देखा किसी चैनल से मेरी भेंट गा रहे थे मैं बड़ी खुशी हुई मैं क्या चलो माता रानी का नाम अमर है और जेड़ा भी गावे मैं भी संदून भज दियाँ भेंटा गा दूँ लखा साहब दियाँ भेंटा गा दूँ है ना आर्टिस्टों को मिलकर रहना चाहिए एक दूजे का प्यार करना चाहिए सो मैं खुशी है कि वो इतने आए और उन्हों का असं बड़े तय दिल तो स्वागत करते हैं मालिक उन्होंने तंदुरुस्तियां देव ठीक है ना अरे वन टू थ्री फोर जोरदार ताड़ियां हॉबी भाजी वास्ते Thank you.
गल नहीं भरावा, जे तुसी जकारा ना बोलिया महामाई ने तां वी तुहानू कुछ नहीं देना क्योंकि वह बख्शण हार है। पर जे बोल दोगे तो फिर तो बहुत ही झोलियां ही भर दनिया उन्हें। एक बार हाथ ऊपर खड़े करके सारे जाने जगारा माना जगारा सभी दोबारा की एक बारी अच्छा लगे जी। साडा कौमी साज है, बंदे नूं अपनी कदी औकात नहीं भुलनी चाहिए, ये साडी औकात है। जदों असी ये बजाईदा ते लोकी सानूं कहिंदे जींदे रहो दादिओ जींदे रहो वीर आलमू, ते असी इदां करीदा ते साडे भोजन पै जांदा, इहदे च साडा पेट राजी हो जांदा। मेहरबानी आ जी, वन टू आ जा, वन टू थ्री। एक वारी जोरदार ताड़ियां दे वास्ते गाऊंगा मैं। एक नवा साज है काजो, मैं ये बजाऊंगा। आओ जी
चरणा का प्यार मन सन रख ले सेवा
अंकित साई नाल लिख Thank you.
पटियाला मैं सबसे पहले आप सभी के चरणों में नमन है मेरा। जय माता की। नैना देवी बैठ जाओ। दोनों के दोनों आज पटियाला में, और पटियाला में भव्य मंदिर बनने जा रहा है, वो भी आपको मैं बताऊंगा खुशखबरी। 10-15 मिनट में मेरे ले लूं, मेरे भगवान को मैं राजी कर लूं, जब तक वो आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं आपसे जुड़कर नहीं गा सकता, मैं उसी से जुड़कर गाऊंगा। आपसे जुड़ूंगा तो आपको उससे नहीं जुड़ पाऊंगा, उससे जुड़ूंगा तभी आपको उससे जुड़ पाऊंगा। थोड़ा सा 10-15 मिनट मुझे मिलेगी। भैया इसका सराउंड कम कर दो, साउंड वाले भैया कहा है, किस तरह है, थोड़ा सा सराउंड कम कर दो, पानी की बात समझ आए बस, बाकी सब ठीक है। Oh,
पापा को कहना पापा अंकल को नहीं देना, मंदिर के बाहर बैठे भूखे बच्चे को दूंगा जिसको उसको भोजन मिले। आपके मन में बिंदु हाथ जोड़ के विनती भाई अपने पास वापस रख लेना, मुझे जो चाहिए मैं तीन बार पास करके आया हूँ और नहीं चाहिए। और प्लीज पंजाब का ट्रेंड है वो पैसे उठाने का, उड़ाना मत क्योंकि मैं लक्ष्मी का पुत्र हूँ, मैं उड़ती नहीं दे सकता। मेरे सामने संत आ जाए तो मैं उनका
ਕਿਧਰ ਬਣ ਉਹ ਖਾਲੀ ਬੈਠਾ ਰਾਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਨੀ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਸਾਂਵਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਨਾਲ ਖਾਟੂ ਜੀ ਵੀ ਜੰਮ ਦਿੱਤੀ ਆਈ ਹੋ ਗਈ ਜਨੂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਟੱਕ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਅਚਾਰ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਰਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸਾਂਵਰੇ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸਾਂਵਰੇ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਨੀਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸੋਲਵਾਂ ਵੀ ਟੱਪਿਆ ਸਤਾਰਵਾਂ ਵੀ ਟੱਪਿਆ ਅਠਾਰਵੇਂ ਚ ਮੇਰਾ ਕਾਕਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੰਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਖਾਟੂ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਊਟੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਤੋੜੀ ਨਾ ਖਾਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਮੋੜੀ ਨਾ ਖਾਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਕਰ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਟੋਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਸੱਚੇ ਸਨਾਤਨੀ ਹੋ ਇੱਕ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਗਵਾ ਕੁੜਤਾ ਵੀ ਸਮਾ केसरिया और हिंदुओं का भगवान ये भगवान गवाही देता है सरंद फतेहगढ़ साहब क्यों नहीं देता हमें कैसे चलना है हमें बाहर वाले नहीं समझाएंगे हिंदू और सिख प्रभु राम के नाम से ही जाने जाते हैं गुरु जी के नाम से ही जाने जाते हैं उसी से जाने जाएंगे साहब इसके सिवा कुछ नहीं लगते और याद लड़ाने वाले को नहीं किया जाता है याद प्रेम बांटने वाले को किया जाता है भाई लड़ाने वाले को कभी याद नहीं मंदिर जब बन जाएगा सोच में ज़्यादा क्या होगा आपने कहना जय श्री राम मैं बताता हूँ कहाँ कहना बोल जकारा आधारशिला रखी गई है 24 जनवरी 2024 की टिकटें करवा लो अयोध्या की टिकटें नहीं मिलने वाली भाई ये मौके बार बार नहीं आएंगे और मैं पंजाब की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुजारिश भी करके आऊंगा कि हमें अयोध्या में थोड़ी सी जगह दी जाए जिसका नाम हम पंजाब भवन रखें मंदिर अब बनने लगा है भगवान रंग चढ़ने लगा है
ये मेरे लिए लाए हो, मेरे लिए नहीं, मैं नहीं लेके जाना। ए तेरा मोहन तेरे करके ता बंसी बजा रहा है, ए मेरा ते करके हिंदुस्तानिया का प्यारा है। क्या बात, ओ मेरा दीवानी हो गई, ओ मेरा मस्तानी हो गई, मेरा दीवानी हो गई, मेरा दीवानी हो गई, मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई, मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई। मथुरा भी सजने लगी है, आना मथुरा भी सजने लगी है, आप लोगों को लगता होगा कि हमारे ऐसे गाने से फर्क क्या पड़ेगा, मेरा सहयोग है इसके लिए। ये जो भजन सुना को जहन में बिठा लेना और इस भजन को याद करना जीवन में हमेशा। आप हारा हुआ महसूस तो करोगे मगर कभी हारोगे नहीं, कभी हारोगे नहीं। सही। ये लगता होगा गाड़ी में तेल खत्म होने वाला है मगर गाड़ी का तेल कभी खत्म नहीं होगा। इन दोनों बातों में फर्क होता है। बैठ जाओ प्लीज, मुझे दिखती नहीं है तो मेरे पास में किताब तो है नहीं भाई, देख के पढ़ता हूँ, वो दिखती रहती है तो मैं गाता रहता हूं। प्लीज, दिल्ली का एक बच्चा 28-30 साल का, मन में आया मैं भी व्यापार करूं, घर वालों से 30,000 रुपए उधार दे दूं, व्यापार करने लगा। दोस्तों ने भरोसा दिया तो व्यापार कर, तुझे स्टैंड हम करेंगे, तेरा माल हम बेचेंगे, जो प्रॉफिट आएगा उसमें से आधा देना, आधा हमारा माल हमें देना। और दूसरा भरोसा किया खाटू वाले श्याम पर कि वो मुझे हार नहीं देगा, नहीं देगा।
क्योंकि उसका नाम ही हारे का सहारा है, बाबा श्याम। जिन दोस्तों ने मान लिया, किसी भी दोस्त ने पेमेंट समय पे नहीं की, और जब करोड़ों में से लाखों निकल जाए फर्क नहीं पड़ता, लाखों में से हजारों निकल जाए फर्क नहीं पड़ता, मगर हजारों में से हजार निकल जाए तो बड़ा फर्क पड़ जाता है। जेब में आखिरी 250 रुपए बच गए, आखिरी 250 रुपए, जीवन में आखिरी नोट की कीमत आज की ये नौजवान नहीं जानते, क्योंकि ये तो कहते हैं बापू 100 होर दे तो होर आ जाता है, बापू 500 होर दे तो 500 होर आ जाता है, पर बापू नु पूछो जब पिंड तो पटियाले आया सी तो 300 रुपया लेके आया सी, ओनू पता 300 रुपया की हो जाता, ओनू पता आखिरी 250 रुपए लेकर खड़ा था रेलवे स्टेशन के बाहर, टैक्सी वाले को पूछा घर जाना है, टैक्सी वाला बोला 250 लगेंगे, वहीं से ट्रेन की टिकट पूछी खाटू श्याम जी रिंगस की तो ट्रेन की टिकट 250 रुपए की। एक बार मन में आया कि पिताजी के पास चला जाऊं, जाके कह दूंगा कि पापा बस और नहीं सहन होता, हार गया हूं, लेकिन उसके बाद उसको वो याद आया जिसका नाम हारे का सहारा है, बोला नहीं पिताजी के पास जाने से पहले उसके पास जाऊंगा जिसने ये भरोसा दिया था कि हार में नहीं दूंगा। टिकट ले ली और जेब खाली कर ली क्योंकि वही बच्चे थे, और पिताजी को फोन कर दिया, बोला पापा मैं 2 दिन के लिए खाटू जा रहा हूं। प्रेमियों, जिस तरह मां को बताना नहीं पड़ता ना हमें भूख लगी है, इसी तरह बाप को भी बताना नहीं पड़ता हमें क्या चाहिए। यहां पे तो आके बस चुप करके नम्रता के साथ बैठ जाया करो, आप किस लायक हो वो उसको छोड़ दिया करो, वो अपने आप दे देगा, तो मांगने की जरूरत नहीं। पापा को फोन किया, बोला पापा मैं 2 दिन के लिए खाटू जा रहा हूं। पिताजी ने एक सवाल कर दिया, बोले बेटा जा मगर तेरे पास पैसे तो है ना? जेब में 1 रुपया नहीं था, लेकिन कैसे कह देता मैं फेल हो गया। यहां जितने बंगाल में लोग बैठे, एक बात का जवाब देना मुझे, इस दुनिया में जो आदमी मेहनत करता है वो पैसा कमाने के लिए नहीं करता, वो इज्जत कमाने के लिए मेहनत करता है, पैसे के लिए कोई मेहनत नहीं करता। 7 स्टार होटल में 700 रुपए की चाय है और उसके सामने ठेला लगाकर बैठा है चाय वाला, उसकी 7 रुपए की चाय है, उसने बताया वहां 650 बसते हैं और मुझे 2 रुपए बसते, वो फिर भी बैठा रहता है, क्यों? क्योंकि वो पैसा नहीं वो इज्जत कमाना चाहता है। बाबा से इज्जत मांगना, पैसा दो कम होगा चल जाएगा, मगर इज्जत नहीं होगी तो 100 करोड़ के भी मालिक होगे तो भी गरीब के गरीब ही रहोगे, बच्चे नहीं ब्याह पाओगे साथ, पूरे रास्ते भूखा रहा प्यासा रहा। रिंगस पहुंच गया, जैसे ही बाहर निकला जीप वाले आवाज लगा रहे थे, खाटू श्याम खाटू 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 बैठ जा आ जा, उसको लगा कोई ले जाता होगा, पैसे थोड़ी ना लेता होगा, इतने प्यार से बोल रहा है। बैठते ही जीप वाले ने 100 रुपए मांगे, कुछ नया लो कहां से देता, भूखा था पूरे रस्ते प्यासा था, आंखें गीली कर कर उतर गया, बोला बस भाई। लेकिन बाबा को बोला, बाबा बस कर, मेरी कोई 60 साल की उम्र नहीं है जो मुझे जिंदगी का इतना अनुभव है, मैं तो 30 साल का छोटा सा बच्चा हूं, 2 साल से तुझे जानता हूं, किसी ने कहा था भरोसा कर लियो हार दे नहीं देगा, लेकिन अभी भी सुन ले, हारा हुआ
ऐसा लग रहा है खाटू के कबूतर चौक के पास हम बैठे हैं। सच कह रहा है, मेरी आंखें देख सकती है वो आप नहीं देख सकते। ठीक है जी, आप फिर मिलते हैं तुम सवेरे। शुभ ठीक है जी, दो मिनट।